जो है वेबसाइट को सही कर दिया गया है, बिल्कुल बदल गया है। तो आए थे मतलब कम से कम 30-40 बार आप अपलोड करते हैं तब जाके एक बार आईडी नंबर वो आपको जनरेट करता है। ऐसे में सो गाइस आपको पता ही होगा कि आजकल जो है बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है और आपको जो है इसके लिए वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। और जो मतलब कि दूर है कहीं बाहर है तो वो जो है खुद से वेबसाइट पर आपको जो है फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर मतलब वंशावली 3A ये जो फॉर्म है अपलोड करने का ऑप्शन वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन आप जब भी अपलोड कर रहे थे तो वहाँ पर बार बार जो है वो वेबसाइट फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब कि सेव नहीं हो रहा था, PDF वहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा था। तो ऐसे में जो है वेबसाइट पे काफ़ी ग्लिचेज आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एरर्स आ रहे थे। मतलब कम से कम 30-40 बार आप अपलोड करते तब जाके एक बार आईडी नंबर वो आपको जनरेट करता। ऐसे में जो है वेबसाइट को सही कर दिया गया है, बिल्कुल बदल गया है। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है और आप चलिए न्यू वेबसाइट से जो है न्यू अपडेट से है आप लोग फटाफट कर पाएंगे, एक ही बार में अपलोड कर पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं और वहाँ पर रसीद भी आपको जनरेट आप कर रहा है। तो चलिए हम वेबसाइट खोलते हैं। ये देखिए ये है डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस। तो यहाँ पर देखिए रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, इस पर हम अगर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा जो है अब फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है और इसका जो है पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपडेट होगा। यहाँ पर आप जो है नाम डाल देंगे, मैं फटाफट नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, ये नाम डाल दिया मैंने। ये यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ आधार नंबर डाल देंगे, चलिए आधार नंबर डाल देते हैं और वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको ईमेल भी यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे ईमेल आईडी पहले ऑप्शन में था लेकिन अब जो है ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना ही पड़ेगा, देख सकते हैं आप। लेकिन फिर भी यहाँ पर ईमेल आईडी आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, अगर जो नहीं है तो यहाँ पे नॉट ए कर दीजिए आप, नॉट एप्लीकेबल, और वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे OTP आपका जो है चला जाएगा। तो OTP जाने के बाद अब हम OTP डाल के यहाँ पे OTP वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। चलिए थोड़ा वेट करते हैं, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे हम और इस तरह से आपके पास देखिए ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा जो है इसका जो है तरीका भी चेंज हुआ है। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मौजा सेलेक्ट कर लेते हैं, मौजा जो है हमारा, यानी मौजा सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे शिविर वगैरह यही रहेगा, खाता नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, खाता नंबर, और यहाँ पे खेसरा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि हम लिख देते हैं खेसरा नंबर, और होल्डर नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, ऐड मोर होल्डर, और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ अपलोड PDF पे क्लिक करेंगे, ओनली दिस टाइम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ, ये मेरा फ़ाइल है ये वाला, तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगाता है, पहले तो ये बहुत टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे सेव हो चुका है, स्वघोषणा हेतु प्रपत्र ID इज सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है, मैं स्क्रीनशॉट भी ले लिया, क्या पता आप देखते हैं। ओके हम प्रेस करेंगे, आप देखते हैं क्या होता है ये। हाँ तो ये देखिए थैंक यू लिखा हुआ, रिसीट और प्रपत्र 2.31। यहाँ पे पूरा जो है बेगूसराय बरकी बलिया ये पूरा सब चीज़ लिखा हुआ है, रेफरेंस आईडी लिखा हुआ है, एप्लीकेंट नाम लिखा हुआ है मरियम खातून, यहाँ पे देख सकते हैं, तो हर एक चीज़ लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो आपके पास रिसीट जनरेट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।